हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज के ई शिखर सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत। बिहार चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम मेहमान आज इस मंच पर हमारे साथ ई शिखर सम्मेलन में जुड़े हैं और अपनी अपनी बात उन्होंने रखी। और अब मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। गौरव भाटिया जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी। बहुत बहुत स्वागत आपका ई शिखर सम्मेलन में। गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करूंगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बिहार में? देखिए, एबीपी तो वो चैनल है जिसको पहले से ही पता रहता है, और आपका ही ओपिनियन पोल जो आया है उसमें भी भारी बढ़त एनडीए की ही दिखाई दे रही है। और जमीनी सच्चाई भी ये है, देखिए कोई तुलना ही नहीं है। एक तरफ एनडीए है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व मजबूत, स्वच्छ छवि, और बिहार में नीतीश कुमार जी सुशासन के पर्याय। दूसरी तरफ आप देखिए कौन है, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा कितनी रैली करेंगी आज ये गौरव वल्लभ बता दे, मैदान में ही नहीं है, इतनी डरी हुई है। लालू प्रसाद यादव जो प्रमुख आरजेडी के हैं, सबसे बड़े नेता हैं, वो पोस्टर से गायब हैं, रैली के मंच में उनका तस्वीर ही नहीं दिखता है। और इसकी वजह है शोभना जी, क्योंकि 15 साल लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री रहे राबड़ी देवी, तो एक जंगल राज का लड़का घर से जाता था। तो सब ठीक है गौरव भाटी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन, नीतीश कुमार, सुशील मोदी या चिराग पासवान? आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब हमारी पार्टी के सबसे सर्वोच्च नेताओं ने कह दिया, स्पष्ट कह दिया, नड्डा जी ने कहा है, अमित शाह जी ने कहा है कि केवल और केवल नीतीश कुमार जी हैं, चाहे कितनी भी सीटें आए तो ये सवाल कैसा है। लेकिन मैं एक बात पूरी कर दूं, देखिए फर्क क्या आया है। जब लालू का जंगल राज था तब बेटा घर से जाता था तो माता पिता चिंतित थे, कहते थे बेटा घर आया क्या, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, अपहरण हो गया। अब बेटा जब घर आता है तो माँ बाप पूछते हैं भैया कितना आज कमा के लाए। ये फर्क है। आज युवा भी खुश है, किसान भी खुश है, बिहारी भी खुश है, क्योंकि एक एक रुपया उनकी उन्नति के लिए लगाया जा रहा है। ऐसा लालू के जंगल राज में नहीं होता। ठीक है, आइए गौरव वल्लभ जी, युवा खुश है और ओपिनियन पोल भी ऐसा ही कुछ कह रहा है, एनडीए को सीधी सीधी मेजॉरिटी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। शोभना जी, सबसे पहले तो आपको और एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी ओर से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। शोभना जी, आज दशहरा का महापर्व है और बिहार के 13 करोड़ राम भक्तों ने डिसाइड कर लिया था कि जो रावण जो बेरोजगारी को फैला रहा, जो रावण जो महिलाओं के ऊपर कुकर्म को दबा रहा है, जो रावण जो महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचा रहा है, जो रावण जो उद्योग नहीं लगा रहा, उस रावण रूपी व्यक्ति को, उस सरकार को सत्ता से हटाने का समय, और उन्होंने आज संकल्प ले लिया। इन्होंने कई बातें कही, गौरव बाबू की बिहार बा यहाँ तहार एके पीके फॉर्मूला नहीं चली। एके पीके समझते हो ना, एक के मतलब आर्मी, कश्मीर, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान फॉर्मूला नहीं चली बिहार बाबू। इहार चली तो सिर्फ 3R मॉडल, रोजगार रोजगार और केवल रोजगार मॉडल। अभी आपने गौरव भाटिया जी ने कई बातें, गौरव भाटिया जी आपको मैं आज ही के बिहार के अखबारों की स्क्रिप्ट क्या बता रहा हूँ। शिवहर में चुनाव कर रहे प्रत्याशी को सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई, ये आज की हेडलाइन है। 2 कट्टा जमीन के लिए महिला को जिंदा जला डाला भागलपुर में, ये आज की हेडलाइन है। नालंदा में वार्ड सदस्य की मौत के बाद सड़क पर जम के हंगामा हुआ, ये आज की हेडलाइन है। बाबू तू बिहार बा, ये बिहार बा। तो अब मैं आपसे, इन्होंने फिर कहा कि भाई हमारी जो सरकार है वो ये काम करी। मैं तो 3 सवाल पूछ रहा हूँ और शोभना जी कार्यक्रम के अंत तक मुझे इन 3 सवाल का उत्तर दे रही। ठीक है, 4.5 लाख बिहार में सरकारी पद खाली क्यों पड़े थे पिछले 15 साल से बाबू, इसको बताओ। दूसरी बात गौरव भाटिया जी, पिछले 15 साल में एक भी, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए भाटिया जी, सिर्फ एक ऐसी बड़ी कंपनी बताओ जिसने बिहार में अपना कारखाना खोला हो पिछले 15 साल में। और बाबू तीसरा सवाल भी सुन भी जाओ, तीसरा सवाल ये है
कि आईटी में नौकरी दिलवाने का वादा किए हो। कितने ऐसी जेड खोले आईटी के पिछले 15 साल में? ठीक है, जवाब ले लेने दीजिए गौरव भाटिया। ठीक है गौरव बल्लभ, जवाब ले लेने दीजिए गौरव भाटिया। तीन सवाल गौरव बल्लभ ने आपसे जोड़े, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार के लिए एक परसेप्शन खड़ा हो रहा है, और परसेप्शन ये कि कोरोना काल में श्रमिकों की मदद नहीं की, बाढ़ जब आई तो जिस तरीके की मदद पहुंचनी चाहिए थी वो भी नहीं पहुंची, व्यवस्था जो है वो व्यवस्था न रह के अव्यवस्था ज्यादा हो गई है, और बेरोजगारी तो एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा हो ही गया है। ऐसे में जो तीन सवाल है उसका जवाब और ये जवाब, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, सबसे पहले तो हमने भी एक प्रश्न पूछा था, हमने पूछा था सोनिया गांधी जी अध्यक्षा है, पहले ही चुनाव राउंड से भाग चुकी है, कोई रैली वैली करेंगी? लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, और उसकी एक वजह है क्योंकि खुद ही कांग्रेस जानती है कि आज उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है। आप मुझे बताइए, मैं इनके प्रश्नों के उत्तर तो तब दूं जब इनकी कोई राजनीतिक हैसियत हो, ये मेरे प्रश्नों के उत्तर दे, मेरे प्रश्नों के उत्तर ना दे और मुझसे प्रश्न दाग रहे हैं, लेकिन मैं कुछ आंकड़े जरूर प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले तो इनकी राजनीतिक हैसियत ये है कि आज ये भीख मांगते हुए कटोरा लेके जाते हैं, केवल 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, और लोकसभा की जो सीटें हैं ना सुकमा की, 40 सीटों पे जो लोकसभा के चुनाव हुआ था, एक सीट एनपीआई थी, और भ्रष्टाचारी जैसे ये भ्रष्टाचारी है खानदानी चोर, वैसे ही भ्रष्टाचारी आरजेडी की सीट कुल मिला के एक आई, हमारी कितनी आई थी 39। तो बिहार और उत्तर प्रदेश 120 लोकसभा सीटों का गढ़ है, इनकी वहां पे कितनी सीटें हैं? दो, एक उत्तर प्रदेश में एक बिहार में। अब आंकड़ों की बात करते हैं। देखिए सुशासन क्या होता है, जब नीतीश कुमार जी ने कमान संभाली तब क्या थी स्थिति बिहार की, और अब क्या है? टीएसपीपी तक था 3.9, आज 11% है, बिजली केवल 22% घरों में जाती थी, अब 100% घरों में जाती है, पक्की सड़क केवल 34% की, अब 96% है, कृषि की दर 3.9 से 12.2 हो गई, 28 मेडिकल कॉलेज या तो खुल गए हैं या उनपे कार्य चल रहा है। हमने ये भी कहा अपने संकल्प पत्र में कि दरभंगा में एम्स देंगे। तो मेरा सवाल इतना है कि आप कह रहे कौन सी आईटी कंपनी आई, रोजगार कितने दिए? मैं तो आपसे कहूंगा पहले शुरुआत करिए अपनी। गौरव भाटिया जी, पर कैपिटा इनकम आप समझते हैं, पर कैपिटा इनकम बिहार में आज भी दयनीय है, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक की अगर पर कैपिटा इनकम से आप कंपेयर करेंगे बिहार की, तो कहीं आसपास भी नहीं है बिहार का नागरिक। ऐसे में आप कह रहे हैं सुशासन बाबू ने काम किया है, इतनी चीजें आप मुझे गिनवा रहे हैं? छोटा जी, आपकी बात में इतनी सच्चाई जरूर है कि जब आप देश भर से तुलना करेंगे तो और विकसित राज्य भी है, जैसे गुजरात की बात आप करिए और भी प्रदेश है, लेकिन रास्ता सही है, नियत सही है, अपहरण नहीं हो रहा, जंगल वाइज नहीं है जैसे लालू जी के समय में था, आज कम से कम विकास हो रहा है। और ये जो सारे आंकड़े मैंने आपको दिए इसके लिए कि एक आपको पूरा चित्र दिखाएं, हम दिखाएं किस तरह से बिहार में विकास हो रहा है और आगे भी बढ़ेगा, लेकिन बिजली, सड़क, पानी, युवा के लिए रोजगार, महिलाओं का सम्मान, अगर युवाओं को रोजगार आप दे रहे होते गौरव भाटिया, तो क्या कोरोना काल में इतने श्रमिक आपको सड़कों पर दिखाई देते? रोजगार देने में तो पूरी तरह असमर्थ रहे, इसीलिए तो इतना पलायन है सर। शोभना जी देखिए, सबसे सही बात आपने पूछी, पलायन कब हुआ? जब 15 साल जंगल राज था, बच्चे सलामत रहे यही बहुत बड़ी बात थी, अपहरण हो जाता था, दुराचार होता था, और अब कम से कम जब कोविड का संकट भी आया तो आप बताइए महाराष्ट्र आंकड़ों में बेहतर कर रहा है या बिहार बेहतर कर रहा है? हमने कहा कोविड का जो टीका जब भी आएगा हम मुफ्त में देंगे, कांग्रेस ने पहले तो विरोध किया, फिर इन्हीं की सरकारें जो है पुडुचेरी में कह दिया कि हम भी मुफ्त देंगे, तो ये लोग खुद ही कंफ्यूज है, हमारी तरफ क्लैरिटी है, इनकी तरफ कंफ्यूजन है। और मैं इतना जरूर कहूंगा बिहार के आंकड़े और महाराष्ट्र के आंकड़े कोविड के कितने संक्रमित हुए, कितनी मौतें हुई, ये तो आप मानेंगे ना कि तेजस्वी यादव ने नैरेटिव बदल दिया है चुनाव का, आप सबको नौकरियों की रोजगार की बात करनी पड़ रही है, ये तो मानेंगे ना? उसके बाद गौरव वल्लभ जवाब दीजिएगा।
तेजस्वी यादव नैरेटिव बदलेंगे, नैरेटिव के आप अगर उनसे स्पेलिंग पूछ लेंगे वो नहीं बता पाएंगे। उनके परिवार में ही भ्रष्टाचार है, उनके परिवार के चार सदस्यों पे भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है और आप हमें कह रही है नैरेटिव बदल गया। देखिए आसमान में उड़े आप सब बात करने लगे ना, अभी तक तो सुशील मोदी गौरव भाटिया कहते थे कि विकास के काम रुक जाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा, 19 लाख नौकरियों का वादा आप भी अपने संकल्प पत्र में कर रहे हैं, तो नैरेटिव तो बदला है ना कि पहली बार बिहार में चुनाव रोजगार पे हो रहा है। डॉक्टर जी रोजगार और नौकरियों में थोड़ा सा फर्क होता है, हम वादा करते हैं तो निभाते हैं, आर्टिकल 370 से लेके और आप भव्य राम मंदिर देखिए, सीए देखिए, ट्रिपल तलाक देखिए, और ये तो इनके राहुल बाबा की दादी कह के गई थी 1971 में गरीबी हटाओ। आइए गौरव वल्लभ जवाब ले लेते हैं, ले लेते हैं गौरव भाटिया, गौरव वल्लभ बहुत देर से बोले नहीं, आइए गौरव वल्लभ। शोभना जी मैंने जो बात शुरू की थी वापिस दो लाइन दोहरा के एक एक सवाल का उत्तर दूंगा। यह तहार एकेपी के मॉडल नहीं चली बाबू, तहार एकेपी के मॉडल खारिज हो गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोजगार रोजगार रोजगार। मैंने तीन सवाल पूछे थे शोभना जी, 4.5 लाख लोगों की वैकेंसी क्यों नहीं भरी, सवाल टाल दे। मैंने ये पूछा था एक बड़ी कंपनी का नाम बता दो 15 साल में, मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने पूछा एसईजेड का नाम बता दो, बताएंगे कैसे, एक भी एसईजेड खुला ही नहीं है ना। फिर बोले साहब हम तो महिलाओं का सम्मान करते, मैं याद दिलाऊं शेल्टर होम बाबू, मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की बच्चियों के साथ जो तरंगी हुई ना शोभना जी, आज पूरे देश में लड़कियों को हमारे यहाँ हिंदू धर्म में हम उनका भोजन कराते हैं 9 बच्चियों का आज और कल, उन बच्चियों को माता दुर्गा कभी माफ नहीं करेगी। उस शेल्टर होम में आरोपित लोगों को टिकट दिया आपने, शर्मनीय दे दी आपको, और बीजेपी जो दिन भर नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाती, डीएनए बदला नहीं जाता है बाबू, डीएनए एक ही रहता है, आप तो उनका डीएनए खराब बताते थे तो वो डीएनए कैसे चेंज हो गया। फिर बोले नीतीश बाबू जिनको नाम मैंने दिया पिसड्डी बाबू, पिसड्डी बाबू ने कहा कि बिहार में इसलिए रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा क्योंकि समंदर नहीं है, समंदर चाहिए उनको। अरे नीतीश बाबू फिसड्डी बाबू पंजाब में हरियाणा में मध्य प्रदेश में दिल्ली में राजस्थान में कौन सा समुंदर है फिसड्डी बाबू, आपने तो पटना को समुंदर बनाने की कोशिश की थी पर समुंदर बनाने ना रोजगार आया। जवाब दिलवाइए, ठीक है, तीन सवालों के जवाब भी लगातार आपसे गौरव वल्लभ मांग रहे हैं। गौरव भाटिया मेरा सवाल आपसे यह है कि नीतीश बाबू इतना आपा क्यों खो रहे हैं, वो तो अपनी संयम व्यवहार के लिए संयमित व्यवहार के लिए जाने जाते थे, अपनी भाषा की मर्यादा वो कभी नहीं भूले, चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा राजनीतिक हमला किसी के ऊपर क्यों ना किया हो, ऐसी क्या बौखलाहट है, ऐसी क्या नाराजगी है कि वो वोटर्स के बीच में जाते हैं तो कहते हैं कि वोट देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। लालू यादव और राबड़ी देवी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं वो भी छुपा हुआ नहीं है, किस चीज की बौखलाहट है नीतीश कुमार को, जीत तो रहे हैं ओपिनियन पोल। देखिए शोभना जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक प्रश्न मैं बार बार पूछ रहा हूँ, कांग्रेस की अध्यक्षा की पहली रैली कब होगी बिहार में, आपको वो प्रश्न नहीं सुनाई दे रहा, जैसे गौरव वल्लभ जी को नहीं सुनाई दे रहा, आप उससे कह रही उनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैंने भी तो एक प्रश्न पूछा, तारीख बताइए, स्थान बताइए, कब आएगी, गौरव वल्लभ बता दीजिएगा अपने जवाब में। गौरव भाटिया आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, नीतीश कुमार इतना आपा क्यों खो रहे हैं, क्या वजह देख रहे हैं, क्या वजह? देखिए ऐसा है 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गौरव वल्लभ जी और भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता आते थे, ये हाका वो हाका, इधर छोड़ा उधर छोड़ा, चुनाव के परिणाम आए एक साल तक गधे के सिर से जैसे सींग गायब होते हैं वैसे कांग्रेस के प्रवक्ता गायब हो गए, 10 तारीख को फिर से परिणाम आएंगे आप देख लीजिएगा, कोई नहीं मिलेगा। अरे मैं आपसे नीतीश कुमार की भाषा के ऊपर सवाल पूछ रही हूँ गौरव भाटिया, नीतीश कुमार इस तरह की अपनी भाषा की मर्यादा क्यों तोड़ रहे हैं, क्या वजह है, या ये खिसियाहट है कि जो वोट है वो मोदी के नाम पे मिल रहा है, नीतीश से तो नाराज है बिहार के लोग। देखिए शोभना जी फिर से कहूंगा नीतीश जी स्वच्छ छवि में जो नेतृत्व देते हैं बिहार को ऐसे नेता है और उनकी टक्कर का और उनके कद का कोई नेता बिहार में नहीं है और कोई मौका आज नहीं है, इस भारतीय राजनीति में एक ही गठबंधन है
जो एशियाई डिसिबिलिटी है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो कुछ और ही कह रहे हैं ना, गौरव भाटिया, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बीजेपी की डील हो गई है, नीतीश कुमार केंद्र में आ जाएंगे और वहां कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अब आप किस किस लीडर को तवज्जो दे देंगे? सहसमान के सम्मान कहता हूँ, कौन उपेंद्र कुशवाहा, वो होते कौन है हमारे अंदरूनी मामले में बोलने के लिए? दो तिहाई सीटें आएंगी शोभना जी और नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, महिला पे एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा दुराचार के मामले द्वारा आपको पता है कहाँ है? 5,997 राजस्थान में, वहां राजनीतिक होशियारपुर में, बिहार की ढेर सारी दलित में उसका दुराचार भी किया, हत्या भी हुई और जब को जला दिया। राहुल गांधी और राजनीतिक हित वहां नहीं है, महिला सुरक्षा और अस्मिता की। ठीक है गौरव पल्लव, आप महिला सुरक्षा के नाम पर जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां की बात क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में रेप होता है तो आपके जो तमाम आला कमान है वो पहुंच जाते हैं, ऑन रूट हो जाते हैं, लेकिन जब राजस्थान में होता है तो गायब हो जाते हैं। तो बिहार की जनता तो इस पर पूछेगी ना आपसे सवाल। शोभना जी, एक एक का उत्तर दे दो। ये बोल रहे हैं नतीजे आएंगे जब कोई गायब हो जाएगा। गौरव जी, महाराष्ट्र में आपको बालों को त्याग करना पड़ा था, गंजा होना पड़ा था। आपने कहा था महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी तो मैं अपने बालों का त्याग कर दूंगा। भूल गए क्या गौरव भाटिया जी आप कि महाराष्ट्र में क्या हुआ था? आप क्या भूल गए क्या? मैं आपको याद दिलाऊं कि अब रहने दो उस बात को, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, प्लीज प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं भाई साहब आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात खत्म बोलो ना भैया। आपने फिर आपने शोभना जी ये मुझे बता रहे हैं कि 10 तारीख को गायब हो जाएंगे। 10 तारीख को कौन गायब होगा वो आपको भी मन में पता है। वो लोग गायब होंगे जिन्होंने सृजन का 1600 करोड़ का घोटाला किया है, कुशासन बाबू गायब हो जाएंगे। वो लोग गायब होंगे जो एक रोजगार की बात नहीं करते, एके-पीके की बात करते हैं कि एके-पीके मॉडल बिहार की धरती पे नहीं चलेगा। शोभना जी, आपने मेरे से सवाल पूछा कि आप राजस्थान की बात क्यों नहीं करते हो, आप उत्तर प्रदेश की बात क्यों करते हो? शोभना जी मुझे एक बात बताओ, एबीपी न्यूज में जिसका सम्मान पूरे देश में दर्शक करते हैं, एबीपी न्यूज की पत्रकार के साथ किस तरह से उत्तर प्रदेश में हाथरस में दुर्व्यवहार हुआ? क्या ऐसा कोई दुर्व्यवहार राजस्थान या पंजाब में हुआ क्या? शोभना जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, एबीपी न्यूज की पत्रकार के साथ बदतमीजी की गई, क्या ऐसा दुर्व्यवहार किया गया? विपक्ष के नेताओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई राजस्थान में, क्या विपक्ष के नेताओं पे लाठीचार्ज की गई? समय मेरे पास सीमित है गौरव वल्लभ, मुझे एक बार गौरव भाटिया से आंकड़ा पूछ लेने दीजिए। चलिए पहले आप बता दीजिए कि कितना आंकड़ा महागठबंधन का आ रहा है, बीजेपी आपका महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का कितना आंकड़ा आप बिहार में छूने जा रहे हैं? शोभना जी मैं दो बातें आपको बोलना और बड़ी समय कम है जल्दी से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ प्रधानमंत्री की तरह झूठ बोल के भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। निश्चित रूप से महागठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार 10 नवंबर को बनने जा रही है और बनते ही 10 लाख रोजगार संख्या सिग्नेचर होने वाला है। संख्या मैं कह रहा हूँ, पूर्ण बहुमत होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की, एक चीज कम नहीं होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं झूठ बोला, में किस प्रकार के परिपक्व बालक ने झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगी थी ये पूरे देश को पता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा मैं गंजा हो रहा हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं गौरव वल्लभ जी, महाराष्ट्र में प्री पोल अलायंस हुआ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की ही। पुरानी बातों पे अटके हुए हैं दोनों ही लोग, आप लोग पिछले चुनावों में। बस मेरे पास समय इतना ही है गौरव भाटिया जी, क्षमा चाहती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुमत तो हमारी सरकार आएगी। चलिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को ही, और 10 नवंबर को फिर मुलाकात होगी आंकड़ों के साथ और तब पूछेंगे हम आपसे सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज ई शिखर सम्मेलन में हमसे जुड़ने के लिए।